काम नहीं हो रहा है कहीं। अभी मेरा पंचायत में किसी भी घर में स्मार्ट मीटर लगने का काम नहीं हुआ। अभी जितना जलाइए उतना हिसाब है, ठीक है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ। हम आ चुके हैं पटना के गांधी मैदान में, जहाँ हम लोगों से बात करेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर। हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि स्मार्ट मीटर का फैसला जो सरकार ने लिया है, इनके हिसाब से सही है कि नहीं है? नहीं सही है। बेमानी हो रहा है। किस तरीके से बेमानी कर रही है? पैसा डाल रहे हैं 200, पांचों दिन नहीं चलता है, खत्म हो जाता है। तो आप सरकार से इसके लिए बात नहीं कर रहे हैं? नगर पालिका में जाके आप बात करिए, बात नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो आइए, आपकी कमी, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपको पूछना चाहिए ना। सही बात। तो पहले के मुताबिक आपका कितना बिजली बिल आता था और अभी आपका कितना बिजली बिल आ रहा है? अभी तो बिजली बिल आ रहा है, पहले आता था 300, अब तो 200 पांचे दिन पर खत्म हो जा रहा है। एक दिन आया पैसा डलवाए, लाइन नहीं आया तो 9 बजे चेक इन वाला आया के पैसा डलाए हो, लाइन नहीं आया, तुम अथी खोसा तुरंत आ गया कि देखो छोटा चोरी कर रहा है। तो मतलब सरकार इसमें अपने तरीके से पैसा आप लोग से वसूल रही है, आपका ये कहना है? डकैत है। आप बताइए अंकल। यही बात है। आपके यहाँ लगा है बिजली बिल? आप कब से यूज कर रहे हैं, मतलब कब लगवाया है आपने? लगा हो रहा है 8-10 साल। 8-10 साल से आप लगवाए हैं। तो आपको मतलब पहले के मुताबिक और अभी में आपको बहुत दिक्कत? बहुत ज्यादा, पहले 300 आता था, महीना अब आता है 5-7 दिन पर 200 रुपए साफ हो जाता है। तो रिचार्ज करवाते हैं? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके ध्यान में नहीं रहा हो और बिजली बिल काट दे, आप रिचार्ज करें फिर भी बिजली आने में दिक्कत हो? दिक्कत होता है। सरकार द्वारा कोई एक्शन सही टाइम पे नहीं लिया जाता? नहीं, कुछ नहीं। तो हम गांधी मैदान के ठीक सामने एक निशुल्क स्थायी आश्रम स्थल जो है वो अंदर जो मेला लगा था उसको लेकर के लोगों को आश्रय देने के लिए लगाया गया। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे कि बिजली बिल स्मार्ट मीटर को लेकर के उनका क्या कहना है। नहीं, आपके घर में स्मार्ट मीटर लगाया गया है? नहीं अभी नहीं लगा है। आपका कौन से वार्ड में पड़ता है? वार्ड नंबर 63 होगा। 63 कहाँ पे आप, मतलब एग्जैक्ट कहाँ पे घर है? पटना सिटी। वहाँ पे बिजली बिल स्मार्ट मीटर नहीं लगा है? नहीं लगा। मतलब तो आप इसको लेकर के आप सरकार से बात, मतलब आप गए हैं बिजली ऑफिस, बात किए हैं आप लगवाने के लिए? नहीं, आया था। हमने कहा ठीक है बाद में लगा देना। तो बोला कि ठीक है सर लगा दें। तो मतलब आपको क्या लगता है, ये जो सरकार का जो ये फैसला लिया गया है हर घर, ये अच्छा है? तो आपको किस तरीके से अच्छा लग रहा है ये? ठीक है, पहले से बेटर है, होना ही चाहिए। पहले बिजली जो है वो 18 घंटा रहता था, अब 24 घंटा आ रहा है। और तो पहले के मुताबिक और अब में बिजली को लेकर के समस्या जो है लोगों तक, वो दिक्कत दूर हो रही है या नहीं हो रही? आप अपने आसपास के मोहल्ले में भी देख रहे होंगे? दूर हो रहा है। तो आप मतलब आपके आसपास में तो ऐसा तो होगा ही कि लोग लगवाए होंगे स्मार्ट मीटर, तो उनसे आपकी बात होती होगी, तो आपको उनसे बात करके ऐसा नहीं लगता कि फायदा है, आपको भी लगवा लेना चाहिए? बिल्कुल लगवा लेना चाहिए। तो आप भी जरूर लगवाइएगा स्मार्ट मीटर। तो यहाँ एक दादी माँ है, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया गया है कि नहीं लगाया गया। आपके यहाँ दादी माँ स्मार्ट मीटर लगाया गया है जो रिचार्ज करके जो चलाया जाता है? नहीं लगाया गया है। तो आप मतलब सरकार से, आप मतलब आपके, आपने उस पर कुछ काम नहीं किया, लगवाया नहीं, क्योंकि आपका हक है लगवाने का? हम कहाँ, आप कहाँ रहती हैं? घर पर आओ का? अरे घर, आपका घर कहाँ है, मतलब आप कहाँ? मदन सिंह का टोला बोले ला, अरवल जिला में। वहाँ पे मतलब आपके पूरे मोहल्ले में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया है? ना, आप लोग ऐसे ही अभी बिजली चला रहे हैं? तो उस पे सरकार कुछ एक्शन लेती है, मतलब कुछ कार्रवाई कर रही है? आते हैं वहाँ पे लोग बिजली विभाग वाले, बात करते लगवाने के लिए? नहीं करते। आप बताइए अंकल, आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है कि नहीं लगा है? तो आप मतलब सरकार से जाके इसके लिए बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको लगवाना चाहिए, पता रहेगा तब ना बताएंगे। तो वहाँ पे जो बिजली विभाग वाले हैं तो वो लोग नहीं लगवा रहे हैं? बिजली विभाग वाला जाते हैं तो जो मीटर लगा है ना पहले, उसको हिसाब से पैसा ले जाता है वो। अच्छा, आते हैं वो लोग अलग ले जाते हैं, बिजली कर्मचारी जो है वो लगवाते नहीं है? लेकिन आपको इसके लिए उनसे बात करना चाहिए, स्मार्ट मीटर लगाना आप लोगों का अधिकार है। पता रहेगा तब ना बताएंगे हम लोग। नगर निगम में भी आप लोगों को कुछ नहीं करवाया गया? कुछ आइए नहीं है हम लोग नगर निगम में। आप लोग नगर निगम में ही नहीं है? ये देखिए, इनको नगर निगम में भी जगह नहीं मिली है। आप बताइए अंकल, आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है? नहीं लगा है। तो मतलब आप लोग ऐसे ही बिजली बिल चला रहे हैं? बिजली तो चला रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? रहते हैं बड़ापुरा, पड़ता है कोडेरा घर, पड़ता है इमामगंज भी, पटना जिला में। पटना जिला में ही है? तो आपको तो लगवाना चाहिए ना स्मार्ट मीटर, सरकार अगर नहीं करा रही है। आपके मोहल्ले में लगा है कि नहीं लगा? नहीं लगा, अभी नहीं किया था, लगाएगा कोई? मतलब आपके पूरे मोहल्ले में कहीं पे नहीं लगवाया गया?
पहले आपका बिजली बिल कैसा आता था और अब आपका बिजली बिल कितना आ रहा है? अभी जितना जलाइए उतना हिसाब है, ठीक है। तो पहले भी उसी ढंग से थे कि जैसा हिसाब से चलाइए उसे, वैसा ही है। हाँ, कोई ज्यादा लोडिंग नहीं है, चार्जिंग वाला में कोई ज्यादा लोडिंग नहीं है। नहीं, हम साल भर से चला रहे हैं। साल भर से आप चला रहे हैं? हाँ, चला रहे हैं। तो आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं? नहीं, कोई हमको अच्छा लगा। पहले तो नहीं रहने से बिजली बिल गिर भी जाता था, तो ठीक है कि तुरंत जैसे भी हो। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इनकी भी समस्या जानेंगे स्मार्ट मीटर के लेकर, उनकी क्या समस्या है। आप क्या अंकल लग गया स्मार्ट मीटर? देखिए, कहना यह है कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहले तो ग्रामीण लोग इसका जमकर विरोध करते हैं और किए भी हैं। उनसे उसके विषय में कहना है ग्रामीण स्तर के लोगों को कि स्मार्ट मीटर लगने से हम लोग का नुकसान होगा। किस तरीके से नुकसान होगा? बोल, ज़्यादा बिल आएगा। क्या आपको क्यों लगता है कि ज़्यादा बिल आएगा? सरकार कुछ सोच के ही नियम निकाली होगी ये, आपको क्यों लगता है कि ज़्यादा बिल आएगा? हाँ, और नियम के जहाँ तक विषय है तो अब ग्रामीण लोग तो क्षेत्रीय स्तर पर तो लोग जानता नहीं है पूरा नियम कानून के, डायरेक्टरी तो वो लोग पढ़ा नहीं है। तो इसके लिए बिजली विभाग को चाहिए कि पहले वो प्रचार प्रसार ग्रामीण स्तर पर जनता के बीच में बिजली विभाग या बिहार सरकार अपने स्तर से प्रचार प्रसार करावें, ताकि लोगों में, ग्रामीण क्षेत्र के जनता में जागरूकता हो। मतलब आप जहाँ से आते हैं, कहाँ पे घर पड़ता है? नालंदा जिला घर पड़ता है। नालंदा जिला, वहाँ पे गांव क्या पड़ता है आपका? एकंगरसराय प्रखंड क्षेत्र में कोसियामा पंचायत, कोसियामा गांव पड़ता है। तो वहाँ पे मतलब आपके मोहल्ले में कहीं पे भी स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया गया? नहीं, अभी मेरा पंचायत में किसी भी घर में स्मार्ट मीटर लगने का काम नहीं हुआ। आपके यहाँ भैया स्मार्ट मीटर लगा है, प्रीपेड वाला? नहीं मैडम, नहीं लगा। आप कहाँ से हैं, मतलब घर कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट हुआ टेहटा, मतलब गांव में, शहर टेहटा में घर है। तो आप किस तरीके से बिजली बिल जमा कराते हैं अपना? बिजली बिल आता है रसीद लेके, उसी तरह से बिजली विभाग वाले आते हैं। तो आप बिजली विभाग वालों को बोलते नहीं हैं? उन लोगों को तो बताना चाहिए, आप लोगों को बताते नहीं है कि स्मार्ट मीटर लगवाइए? 500 रुपया महीना आपके, मतलब जो आपका जो एरिया पड़ता है, तो वहाँ पे स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया गया है, रिचार्ज वाला मीटर कि रिचार्ज करिए बिजली चलाइए? नहीं, अभी नहीं लगाया गया। तो बिजली विभाग वाले आते हैं, आप लोग तो बिजली तो आपके यहाँ आती होगी ना? मीटर से नहीं देते हैं, मीटर से देते हैं। तो आप लोगों को कैसे मीटर लेता है? तो पता नहीं, हमको लगता है 4 रुपये से कम लेगा। 4 रुपये से कम। बिजली विभाग वाले आते हैं लेकिन वो स्मार्ट मीटर को लेकर के कुछ नहीं जिक्र करते हैं, आते हैं बिजली भी लेते चले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि बिजली विभाग वाले आपसे बिजली ज़्यादा भी ले लेते होंगे? ये तो मीटर काटने के ऊपर ना है, 100 काटे कि 500 काटे हैं, तो नहीं तो मीटर में अगर दिखा दिया तब तो ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो किस तरीके से करते हैं आप, बिजली विभाग वाले आते हैं आपके यहाँ बिजली बिल लेने? नहीं, बिजली बिल का रसीद जो मीटर रीडर होता है वो रीडिंग कर करके उसका स्लिप दे देता है, लोग अपना जा करके बिजली का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो प्रमंडल या जो भी जेई का कार्यालय है, जहाँ बिजली बिल का काउंटर है जमा करने का, वहाँ जमा करता है। आपके यहाँ भैया लगा है स्मार्ट मीटर? स्मार्ट मीटर तो अभी नहीं लगा है, लेकिन कहीं कहीं बाजार में सुन रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगा है। तो आपको क्या लगता है, अगर आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगता है तो आपको इससे फायदा होगा? फायदा तो जो लोग बोलते हैं, जिसके यहाँ लग गया है, वो बोलते हैं कि जो मीटर लग गया है, जो अधिक से अधिक बिल भुगतान करना पड़ रहा है बिजली, मतलब स्मार्ट मीटर लगने से महंगा पड़ रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। देखा आपने कि क्या कुछ कहा है लोगों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के। आपको क्या लगता है, जो नीतीश सरकार ने ये जो चलाया है अभियान, ये किस हद तक सही है? और इसकी जो फैसिलिटी जो वो बता रहे हैं, पेपरों पे कुछ और है, असलियत में कुछ और है। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पे क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद।